नमस्कार, मैं हूं इंद्रमोहन। इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो गुजरात के सूरत से आ रही है। गुजरात के सूरत में प्रवासी मजदूरों ने पहले पुलिस पर हमला कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने भी आंसू गैस के गोले छोड़े। तस्वीरों में साफ तौर से आप देख सकते हैं कि लगातार सूरत में अपने राज्य वापस लौटने को लेकर ये प्रवासी मजदूर प्रदर्शन कर रहे थे, जिसे लेकर आज प्रदर्शन काफ़ी उग्र हो गया। इन मजदूरों की मांग है कि राज्य सरकार स्पेशल ट्रेनें चलाएं और जिसके जरिए इन्हें वापस अपने गृह राज्य भेजा जाए। लेकिन जब प्रदर्शन काफ़ी उग्र हो गया, ये भी कहा जा रहा है कि मजदूरों की तरफ से पहले पुलिस वालों पर हमला किया गया, पत्थर बरसाए गए, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए वहां पर आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। लगातार सूरत से ऐसी खबरें आ रही थी कि वहां पर मजदूर जुट रहे थे, वो लगातार हंगामा कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि प्रशासन की तरफ से लगातार बातचीत चल रही थी, लगातार उनके लोगों से बातचीत हो रही थी कि आखिर इन्हें कैसे घर भेजा जाए। लेकिन आज यह प्रदर्शन काफ़ी उग्र हो गया, जिसके बाद पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। यह तस्वीर गुजरात के सूरत की है, जहां पर रह रहे प्रवासी मजदूरों ने आज पुलिस वालों पर हमला किया है, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। लगातार ये मजदूर मांग कर रहे हैं कि इन्हें वापस इनके गृह राज्य भेजा जाए। राज्य सरकारें स्पेशल ट्रेनें चलाएं जिसके जरिए इन्हें वापस भेज दिया जाए, क्योंकि लॉकडाउन अब 17 तारीख तक एक्सटेंड कर दिया गया है। हालांकि कुछ छूट भी दी गई है, लेकिन लगातार 40 दिनों से फंसे हुए ये मजदूर अब वापस अपने गृह राज्य जाना चाहते हैं, जिसे लेकर ये लगातार वहां प्रदर्शन कर रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में ये मजदूर गुजरात के सूरत में सड़कों पर जुटे, जिसके बाद इन्होंने जब प्रशासन के सामने अपनी मांग रखी, जिसे लेकर जब कोई भी रास्ता मिलता हुआ इन्हें नहीं दिखा, तो आज इन्होंने पत्थरबाजी की है, जिसके बाद पुलिस ने भी आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त गुजरात के सूरत की है, जहां पर मजदूरों और पुलिस वालों के बीच झड़प हो गई है। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए आंसू गैस के गोले छोड़े। अब इंतजार इस बात का है कि क्या सरकार इन्हें स्पेशल ट्रेन के जरिए इनके गृह राज्य भेजती है या नहीं।